हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे समरी ट्रायल्स के बारे में और ये हमारा आखिरी टाइप का ट्रायल है विच इज़ डिफाइंड इन द चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी, जिसके सेक्शंस 260 से लेकर के 265 तक है। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो। चलो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 21 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। समरी ट्रायल्स के बारे में हमें बताता है चैप्टर 21 सीआरपीसी। अभी तक हम लोगों ने सारे जो ट्रायल्स थे उसको डील कर लिया है, लास्ट हमारे पास यही एक तरीके का ट्रायल बचा हुआ है। क्या कहता है ये समरी ट्रायल? सबसे पहले तो ये देखो कि सेक्शन 260 से लेकर के सेक्शन 265 तक ये डिफाइंड है। सेक्शन 260 से लेकर के सेक्शन 265 तक ये डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है, मैंने अब हमेशा हर तरीके के ट्रायल में ये बताया है कि इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तो देखो इसमें दो तरीके की बातें बताई गई हैं। पावर बताया गया है कि किसके पास पावर है समरी ट्रायल को एक्सरसाइज करने का, और प्रोसीजर क्या है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये तीन सेक्शंस बचते हैं जिसमें रिकॉर्ड, जजमेंट और लैंग्वेज के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर पावर जो है वो CGM के पास है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है, जो कि हमें सेक्शन 260 में देखने को मिलेगा। और हमें सेक्शन 260 में ये भी देखने को मिलेगा कि कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जो समरीली जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं, मतलब जिन्हें मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है JMSC को भी पावर दे रखी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को भी पावर दे रखी है कि वो भी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, समरीली वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट अगर कॉन्फर करेगी तो हाई कोर्ट की परमिशन से वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीजर बताया हुआ है, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से समरी ट्रायल्स होंगे, वो हमें सेक्शन 262 में बताया। क्या रिकॉर्ड का मतलब ये है कि किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें हमें सेक्शन 263 में बताई गई हैं। और सेक्शन 264 में हमें जजमेंट के बारे में बताया गया। फिर सेक्शन 265 में हमें लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 260 पे, वेयर इट सेज पावर टू ट्राई समरीली। तो इसमें हमें क्या बताया, किसके पास पावर है कि वो समरीली ट्राई कर सकते हैं। सो CGM कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कब कर सकते हैं, जब उनको एम्पावर किया गया हो हाई कोर्ट के द्वारा। अगर हाई कोर्ट एम्पावर करेगी तो वो कर सकते हैं। और ये सारे ऑफेंसेस हैं, ये कुछ ऑफेंसेस यहाँ पर बताए हुए हैं जो कि ऑफेंसेस अगर होंगे तो ही इनका, इन्हीं ऑफेंसेस का मतलब समरी ट्रायल चलेगा। तो सबसे पहले ऑफेंस क्या है, अगर डेथ को ऑफेंस है, लाइफ इंप्रिजनमेंट को ऑफेंस है, या दो साल से ऊपर के इंप्रिजनमेंट का अगर ऑफेंस है तो उसका समरी ट्रायल नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। अगर इसके ऊपर के ऑफेंसेज हैं, अगर ये वाले ऑफेंसेज हैं तो वहां पर समरी ट्रायल नहीं चलेगा। अगर इससे नीचे, 2 साल से नीचे का अगर कोई ऑफेंस है तो वहां पर समरी ट्रायल होगा। अगर डेथ से वो ऑफेंस पनिशेबल नहीं है तो समरी ट्रायल हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है तो समरी ट्रायल हो सकता है। देन थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 381 एंड 380, ये हमारा बी पॉइंट है कि थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 और 381 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। अगर इन सेक्शंस में थेफ्ट कमिट हुआ है और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 2000 से ज्यादा नहीं है तो यहां पर समरी ट्रायल हो सकता है। रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411, अगर ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी है इसको अगर आप रिसीव कर रहे हो या इसको अपने पास रख रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तो क्या होगा, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं है तो उसका समरी ट्रायल हो सकता है। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को कंसील कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो स्टोलन प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 414 CRPC, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं है तो समरी ट्रायल हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों चीजों को मैंने, तीन पॉइंट्स को यहाँ पर कंबाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो हमारा है 2000 की वैल्यू वाला जो पॉइंट है, ये कॉमन था कि अगर 2000 के ऊपर की वैल्यू नहीं है तो हम जो है समरी ट्रायल चला सकते हैं थेफ्ट केसेस में। फिर अगर ऑफेंस अंडर सेक्शन 456 एंड 454 IPC अगर है तो भी हमारा समरी ट्रायल हो सकता है। क्या है 456 एंड 454? ट्रेसपास का ऑफेंस है, लर्किंग हाउस बाय ट्रेसपास वाला,
ठीक है, उसमें एक इसमें एक वाले 454 में आपका बताया गया है क्या है वो लर्किंग हाउस पे ट्रेस्पास, और 456 में उसकी पनिशमेंट दी हुई है। फिर है हमारा इंसल्ट टू ब्रीच पीस, ये अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो इसका भी समरी ट्रायल हम कर सकते हैं। और ऊपर जो ये ऑफेंसेस हमें बताए गए हैं, ये सारे ऑफेंसेस अगर इनका अबेटमेंट या अटेम्प्ट हुआ है, अगर इनका अबेटमेंट या अटेम्प्ट हुआ है तो ये भी इनका भी समरी ट्रायल चल सकता है। या अगर कोई ऑफेंस है अंडर सेक्शन टू सॉरी अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेस्पास एक्ट, अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है तो वहां पर भी समरी ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑफेंसेस की लिस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अब आओ सेक्शन 261 में। सेक्शन 261 हमें जेएमएससी के पावर के बारे में बता रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पावर के बारे में बता रहा है। तो जेएमएससी के पास पावर है समरी ट्रायल को कंडक्ट करने की, अगर हाई कोर्ट उनके ऊपर पावर कन्फर करे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई कोर्ट अगर पावर कन्फर कर रही है तो ये आपके पास पावर, नहीं तो नहीं। तो अब इसमें क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। द हाई कोर्ट मे कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरीली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो वो कौन से ऑफेंस को समरी ट्रायल कर सकते हैं, कौन से ऑफेंस का समरी ट्रायल कर सकते हैं, अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट फाइन है सिर्फ, या फिर 6 महीने से ऊपर का अगर ऑफेंस नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 6 months लिखा है, ध्यान देना वहां पर नॉट एक्सीडिंग 6 months लिखा हुआ है। तो अगर 6 महीने से ऊपर का ऑफेंस नहीं है, 6 महीने के ऊपर का पनिशमेंट का ऑफेंस नहीं है तो ये समरी ट्रायल जेएमएफसी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। और या फिर इन इन दोनों का जो मतलब फाइन का अगर ऑफेंस है और उसका अगर अबेटमेंट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है तो वो भी जो है जेएमएफसी ट्राई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये जो मैंने सेक्शन 262 सबसेक्शन 2 में नहीं बताया, वो ये सबसेक्शन 260 सबसेक्शन 2 का पॉइंट है ये। अगर समरी ट्रायल जो है वो रेगुलर मैनर में कब हो सकता है, मतलब किसी भी ऑफेंस का हम समरी ट्रायल ना करें लेकिन रेगुलर मैनर में जो हमारा ट्रायल चलता है अगर हम उसको करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। ये इसका आंसर हमें दिया हुआ है सेक्शन 260 सबसेक्शन 2 में। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अनडिजायरेबल है समरी ट्रायल कंडक्ट करना, समरी ट्रायल कंडक्ट करने का मतलब यही है कि बहुत ही ऐसे छोटा मोटा चुटपुट वाला ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है और उसकी हमें सजा देनी है, लेकिन मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि इस ऑफेंस का समरी ट्रायल नहीं चलना चाहिए, इसका रेगुलर ट्रायल चलना चाहिए, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो वो क्या करेंगे, विटनेस को रिकॉल करेंगे और केस को दोबारा सुनेंगे, रीहियर करेंगे। तो ये चीज याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है आपके इंटरव्यू में भी, तो इसलिए इसको याद रखना। अब आओ सेक्शन 262 पे। सेक्शन 262 क्या कहता है, प्रोसीजर बताता है समरी ट्रायल्स के बारे में, क्या प्रोसीजर होगा समरी ट्रायल्स का। तो इसमें कुछ भी ज्यादा बात नहीं करी गई है, सीधी बात एक बताई गई है कि प्रोसीजर जो है जिस तरीके का समन केस का ट्रायल होता है उसी तरीके का प्रोसीजर हम यहाँ पर भी कंडक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके का समन केस का ट्रायल होता है वही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी कंडक्ट करेंगे। पनिशमेंट हम समरी, अगर किसी का समरी ट्रायल चल रहा है तो पनिशमेंट हम 3 महीने से अधिक नहीं दे सकते, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का समरी ट्रायल चल रहा है तो हम उसे पनिशमेंट जो है वो 3 महीने से अधिक नहीं दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने ये जो टाइम वाली बात थी हम लोगों ने कहाँ पढ़ी, ये अभी हम लोगों ने देखा ना कि ऑफेंस अगर 6 महीने से ज्यादा का पनिशमेंट आप यहाँ पर जो जेएमएफएससी जो है अपनी पावर जहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ कैसे 6 महीने से ज्यादा की अगर पनिशमेंट नहीं है तो वो समरी ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन 261 ने क्या किया, सॉरी 262 ने क्या किया, 262 ने साफ कह दिया है कि 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट भाई आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो समरी ट्रायल में कभी भी 3 महीने की 3 महीने से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। अब आओ सेक्शन 263 में रिकॉर्ड एंड समरी ट्रायल्स किस तरीके से रिकॉर्ड किया, किस तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये जो फॉर्म है किस तरीके से होगा ये स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है और इसमें ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल अगर याद रख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्योंकि ये पूछ लिया गया था, ये आया था ठीक है पेपर में प्री में ये
पूछा गया था, तो अगर ये याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसमें ऐसा कुछ खास याद रखने वाला भी नहीं है और कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 263 बता रहा है, इन एवरी केस ट्राइड समरीली द मजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली क्या पर्टिकुलर्स हैं, सीरियल नंबर ऑफ द केस, सीरियल नंबर केस का एक सीरियल नंबर होता है वो लिखा जाएगा, ऑफेंस की क्या डेट है वो लिखी जाएगी, कंप्लेंट की या FIR की क्या डेट है वो लिखी जाएगी, कंप्लेंट पे अगर है ऑफेंस तो फिर आप कंप्लेंट की डेट जिस जिस दिन कंप्लेंट फाइल करी गई उस दिन, और अगर FIR लॉन्च करी गई है तो उस FIR किस दिन लॉन्च करी गई है वो डेट मेंशन होगी, कंप्लेनेंट का क्या नाम है, कंप्लेनेंट का नाम लिखा जाएगा, नेम, पेरेंटेज, रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, लेकिन अक्यूज्ड के लिए, अक्यूज्ड के बारे में तीनों चीज़ें लिखी जाएंगी, नेम भी उसका लिखा जाएगा, पेरेंटेज किस बैकग्राउंड से वो है, वो उसके पिता का नाम, माता श्री का नाम, सबका नाम लिखा जाएगा, और रेजिडेंस कहाँ वो रहता है, ये सारी बातें अक्यूज्ड के मामले में लिखी जाएंगी। ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ किस चीज़ के लिए कंप्लेंट हुई है वो ऑफेंस, उस ऑफेंस को लिखा जाएगा, प्ली ऑफ अक्यूज एंड इज एग्जामिनेशन, अक्यूज ने क्या प्लीड किया, गिल्टी प्लीड किया, नॉट गिल्टी प्लीड किया, क्या प्लीड किया है तो वो लिखो आप, और उसका एग्जामिनेशन भी जो भी उसने स्टेटमेंट वगैरह दिए वो आप लिखो, फाइंडिंग्स क्या है, कोर्ट ने क्या फाइंड किया है इस मामले में वो लिखा जाएगा, सेंटेंस या फाइनल ऑर्डर किस तरीके का है, क्या सेंटेंस आपने दिया है, क्या फाइनल ऑर्डर आया कोर्ट का वो लिखा जाएगा, डेट व्हेन प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, कब ये प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट कर दी गई है या खत्म कर दी गई है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 263। अब हम आते हैं सेक्शन 264 एंड सेक्शन 265 पे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जगह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों सेक्शंस हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं, और सेक्शन 264 जो है जजमेंट के बारे में बताता है, सेक्शन 265 हमें लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है। तो सेक्शन 264 जजमेंट के बारे में बताता है, कहता है कि इफ द अक्यूज डू नॉट प्लीड गिल्टी मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड, अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया है तो ये क्या कह रहा है कि अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया है तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, क्या सब्सटेंस एविडेंस का, प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस दिया है और हमारे अक्यूज ने क्या एविडेंस दिया है, वो सारी चीज़ें जो है मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। जजमेंट कंटेनिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर फाइंडिंग, और भाई आप जो भी जजमेंट दोगे, जो भी जजमेंट आप किसी भी फाइंडिंग्स पे दे रहे हो, उस सबका आपको कारण लिखना जरूरी है, आपको रीजन लिखना जरूरी है कि किस वजह से आपने ये जजमेंट कर, आप मतलब आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे हो, ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है, और किस रीजन से उस कंक्लूजन पर आपको, ये भी सारी चीजें लिखना जरूरी है। देन आती है बात सेक्शन 265 की, जिसमें लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, आप ये जो रिकॉर्ड एंड जजमेंट के बारे में बताया, मतलब ये रिकॉर्ड और जजमेंट जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं सेक्शन 263 में और जजमेंट हम बात करें सेक्शन 264 में, तो ये कौन सी लैंग्वेज में होगी, तो ये कोर्ट के लैंग्वेज में होगी। आप इसे रीड कर सकते हो सेक्शन 272 के साथ, सेक्शन 272 सीआरपीसी में क्या बताता है, सेक्शन 272 सीआरपीसी में बताता है कि कोर्ट की लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वही लैंग्वेज होगी कोर्ट की, लेकिन हाई कोर्ट की लैंग्वेज कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगी, हाई कोर्ट बड़ा है ना तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कैसे बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगी हाई कोर्ट की लैंग्वेज, ठीक है। हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन बताएगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 272 में क्या बताया कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि लैंग्वेज क्या होगी कोर्ट की। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब हमारे बेयर एक्ट में लिखा है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि द हाई कोर्ट मे ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड, हाई कोर्ट जो है ऑथराइज कर सकता है किसी भी मैजिस्ट्रेट को टू ट्राई ऑफेंस समरीली टू प्रिपेयर द अफोरसेड रिकॉर्ड और जजमेंट, कि आप ऑफेंस को समरीली ट्राई करो और प्रिपेयर करो रिकॉर्ड और जजमेंट को, और बोथ बाय मींस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड, लेकिन असिस्टेंस लेने को कह रहा है किसी भी ऑफिसर की, जो कि कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे CJM साहब अपॉइंट करेंगे उन ऑफिसर को, कि भाई हाई कोर्ट कह रहा है, ऑथराइज कर रहा है मैजिस्ट्रेट को कि आप रिकॉर्ड या जजमेंट या ये दोनों चीजें प्रिपेयर करें, लेकिन किसके असिस्टेंस में, किसी ऑफिसर के असिस्टेंस में, जिस ऑफिसर को CJM हमारे अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एंड द रिकॉर्ड और जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइंड बाय सच मैजिस्ट्रेट, और जो भी वो रिकॉर्ड और जजमेंट प्रिपेयर हो रहा है वो किससे साइन कराया जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट से साइन कराया जाएगा जो मैजिस्ट्रेट उसको प्रिपेयर कर रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
प्रीवियस ईयर के अंडर विच सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग समरी ट्रायल्स इज गिवन, कौन से सेक्शंस के सेगमेंट में समरी ट्रायल्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 360 से 365, सेक्शन 260 टू 265, 256 टू 258 एंड 180 टू 190। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक समरी ट्रायल्स दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई समरी अंडर सेक्शन 260। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि समरी ट्रायल कौन कंडक्ट कर सकता है, किसके पास पावर होती है, ठीक है। तो एनी सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने सेक्शन 260 में देखा कि तीनों ही मैजिस्ट्रेट जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, इनके पास पावर होती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर हायर जुडिशरी का ही लिखा हुआ है लेकिन ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना और ये वाला सेगमेंट याद रखना। सो व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी पास ऑन अ कन्विक्शन समरी ट्रायल, हम समरी ट्रायल में कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं ये इसमें पूछा हुआ। 15 days, 30 days, 2 months, 3 months और none of the above। हम लोगों ने देखा था कि 3 महीने की जो है वो सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट जो हम दे सकते हैं, मैक्सिमम सेंटेंस जो मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं वो 3 महीने की ही दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मे इफ ही थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर 260। अब इसमें पूछा हुआ है कि वो जो हम लोगों ने फॉलोइंग ऑफेंसेस की लिस्ट पढ़ी थी, कौन सा ऐसा है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो कि हम समरीली ट्राई कर सकते हैं। सो सबसे पहला है थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 और 381 ऑफ आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड रुपीज 2000। ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर भी समरीली मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं, ऑफेंसेस जो ट्रेसपास वाले हैं वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट समरीली ट्राई कर सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टी रिसीव या रिटेन कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी को जिसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा नहीं है वहाँ पर भी समरी ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 5 सेज अंडर चैप्टर 21 व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी इम्पोज फॉर एन ऑफेंस ट्राइड एज अ समरी ट्रायल। देखो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी सेम क्वेश्चन किया, वही सेम क्वेश्चन फिर आ गया कि मैक्सिमम सेंटेंस क्या दे सकते हैं। तो मैक्सिमम सेंटेंस जो हो सकती है वो 3 महीने की हो सकती है। इन अ समरी ट्रायल विच ट्रायल प्रोसीजर द कोर्ट शुड फॉलो, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है समरी ट्रायल में, प्रोसीजर फॉर सेशन ट्रायल, प्रोसीजर फॉर वारंट ट्रायल, प्रोसीजर फॉर समन्स ट्रायल और नो स्पेसिफिक प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड। क्यों स्पेसिफिक प्रोसीजर क्यों नहीं है, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोसीजर है प्रोसीजर फॉर समन ट्रायल, हमेशा समन ट्रायल का प्रोसीजर ही सेम, जो प्रोसीजर समन ट्रायल में हम फॉलो करते हैं वही सेम प्रोसीजर हमारा समरी ट्रायल में भी फॉलो किया जाएगा। And question number 7 says which one of the following offences is tribal summarily, in सब में से हम कौन सा एक ऐसा offence है जो कि summarily try कर सकते हैं, wrongful restraint, no, abducting in order to murder, no, house trespass or offences not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term excluding 2 years। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है D। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वो जो ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है हमारे सेक्शन 260 में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, देखो ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी पर्टिकुलर इन रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल एज पर सेक्शन 263। इसमें देखो नॉट पूछ रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम रिकॉर्ड में नहीं लिखते हैं सेक्शन 263 में, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर है जो हम रिकॉर्ड में मेंशन नहीं करते हैं। पेरेंटेज ऑफ द अक्यूज्ड हम लिखते हैं रिकॉर्ड में, पेरेंटेज ऑफ द कंप्लेनेंट, द फाइंडिंग
द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, तो हम फाइंडिंग भी लिखते हैं, पेरेंटेज सॉरी डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड हम वो भी लिखते हैं। सिर्फ हम कंप्लेनेंट का पेरेंटेज नहीं लिखते, कंप्लेनेंट का सिर्फ क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है कंप्लेनेंट का, और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती कंप्लेनेंट के बिहाफ पर, हमें और कोई डिटेल्स नहीं चाहिए होती, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम चाहिए होता है। तो यहाँ पर नॉट क्योंकि पूछ रहा है, तो हमारा सही आंसर बी है, ठीक है। और अक्यूज के उस पे हमें सब कुछ चाहिए होता है, पेरेंटेज चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, रेजिडेंस चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।